दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। बोलो तो इसका मतलब वो देश का जो है आमदनी जीडीपी का जो रेट है वो जो है दूसरे देशों की तुलना में कितना ज्यादा या कम है। बोलो ज्यादा है। तो आज हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। नहीं तो अर्थशास्त्र में हम अभी ये बता दिया आपको किस चीज का अध्ययन करना है। अर्थशास्त्र वह है जिसमें हम मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, है ना। यानी कि पहले आपको समझ में रहेगा इस सब्जेक्ट के प्रति कि पूरे सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, आप पूरे सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। इसमें सीधा समझिए कि रुपया का लेन देन के बारे में हमें पढ़ना है। लेन देन का मतलब एक शॉर्टकट हुआ, इसमें कितना क्षेत्र आएगा। आदमी कंपनी खोलता है, किसी को जॉब देता है, कोई सामान खरीदता है, कोई सामान बेचता है, कोई देश एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है। बोलो कहीं पर कोई अपना छोटा सा दुकान खोलता है, कोई बड़ा कंपनी लगा देता है ना। कोई मान लो बस पकड़ के गया आया, कोई भाड़ा पे शादी किया तो 30 को कितना गाड़ी कर लेता है, कितना 100 गाड़ी किया, तो उस सब में क्या होगा, लेन देन होगा। इस सभी किसके अंतर्गत आ गया, अर्थशास्त्र के अंतर्गत। नहीं ये सभी चीज किसके अंतर्गत आ गया, जहां पर है ना रुपया पहुंचा तो आर्थिक एक्टिविटी हो गया, है ना। बोलो ना, तो यही सब क्या कहलाएगा, अर्थशास्त्र। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब सब्जेक्ट के बारे में समझ गया लड़का कि अच्छा ये सब इसमें हम इस तरह के, तो इसमें लड़का समझ गया होगा कि लेन देन, रुपया, पैसा, खरीद बिक्री, कौन देश में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना उसका जीडीपी है, कितना वो आगे ग्रोथ किया है इकोनॉमिक के क्षेत्र में, है ना, कितना वहां पर संसाधन है चीजों का जहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे उस सरकार को पैसा आता है, पैसा आया मतलब वहां का आदमी अच्छा है, उसका जीवन स्तर यानी कि पर प्रति व्यक्ति आय अच्छा है, ठीक है। तो जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा अच्छा होगा उस देश का आदमी उतना क्या होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, समझ रहे कि नहीं। तो यही है अर्थशास्त्र। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखे हैं, अर्थशास्त्र वह है जिसमें अर्थशास्त्र वह है अर्थशास्त्र वह है जिसमें जिसमें विभिन्न विभिन्न अर्थशास्त्र वह है जिसमें जिसमें मानव के, मानव जोड़ लेना, मानव छूट रहा था ना, मानव के विभिन्न, सुन करके लिखो, बेवकूफ बच्चा है जो सुन करके लिख नहीं पाता है ना, तो डेली उतारते रह जाना, परीक्षा में खुद से लिखना रहता है। तो अर्थशास्त्र वह है जिसमें मानव के विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का, किसका रे बउआ, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, गतिविधियों का अध्ययन, सुन के लिखो, देख करके नहीं, ये तो भाई कहीं कहीं हम ऐसे लिख रहे हैं, अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत, सबको याद हो गया, अर्थशास्त्र वह है जिसमें हम मानव के विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। बोलो आए तरह बड़े, अब लिखो पूरा दुनिया में ये अर्थशास्त्र है, इसमें कौन देश आर्थिक रूप से, किस देश का अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा मजबूत है ना। यदि हम बात करें तो वो अभी वर्तमान समय के अनुसार अमेरिका है, ठीक है, लिख लो, स्टार मार्केट, विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश,
विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। ठीक है, उसके बाद लिखो स्टार मार के भारत। भारत विश्व का, भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ी, सबसे पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। कौन? भारत। नहीं, कौन रे? भारत। हो गया। कौन? भारत। तो भारत कौन सा स्थान पे आ गया? पांचवा पर। कौन पे आ गया? पांचवा पे। तो पहला पे कौन? अमेरिका। दूसरा पर? बीच का हम यदि बात करते हैं तो पहला पर अमेरिका। देखो विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका। अमेरिका। नहीं, उसके बाद चीन, उसके बाद जापान, उसके बाद जर्मनी। ये छोटका देश सब है नहीं, लेकिन इस देश सब में आदमी जाता है तो देखता है एकदम स्टेशन पर जाएगा तो वहां पर आदमी सो जाएगा, यहाँ प्लेटफॉर्म सब पर तो गमका के रखता है। अब हालांकि भारत भी अपने स्टेशनों को क्या किया है, हाईटेक बना रहा है, सुधार कर रहा है, टेक्नोलॉजी के मामला में अभी भी जापान एक छोटा सा देश जिस पे दो बार अमेरिका वाला ने क्या किया, परमाणु बम गिरा दिया, तब पर भी टेक्नोलॉजी के मामला में वो भारत जैसे देश से आगे है। यहाँ 141 करोड़ लोग है। वहां का आदमी सब मेहनती है, ठीक है, मेहनत करता है। यहाँ सरकारी नौकरी में चल जाएगा ना तो 11 बजे काउंटर खोलने का टाइमिंग है तो देखेगा कि जनता आ गया है तो कहीं आधा घंटा पहले नहीं काम कर देगा, 11 बजे बैठेगा तो कहीं अब चाय कहीं पी लेते हैं तब काम करेगा, ठीक है। आ देश को क्या करेगा, चौपट कर देगा। ये बिजली पहले पूर्ण रूप में सरकारी था तो सप्ताह में एक दिन आ गया आधा घंटा के लिए, हुए बहुत समझ गया ना, सप्ताह में एक दिन आ गया आधा घंटा के लिए वही बहुत। आदमी सब काम सोचता है कि हमको सरकार दे, और जब सरकार के सिस्टम में वो आदमी चल जाता है तो वही आदमी सरकार के सिस्टम को चौपट करने का काम करता है। एयर इंडिया जैसा सरकारी कंपनी सब घाटा में कहा चल जाता है, पायलट सुतले रह जाता था, फ्लाइट कैंसिल। तो बोलो जैसे हमारे कोचिंग है, हर एक दो दिन पर बंद करेंगे तो क्या कहेगा, अरे वो सर तो खाली बंदे करता है, तो आदमी जाएगा, आप टिकट कटा लिया है फ्लाइट कैंसिल तो आदमी को तो जाना दिक्कत हो जाएगा, तो भाई एयर इंडिया का आपको टिकट ही नहीं लेंगे तो चौपट होगा कि नहीं होगा, है ना। तब हल्ला करेगा सरकार जॉब नहीं देता है, दे भाई तू जॉब में जाके कथी कर रहा है, सरकार को चौपट कर रहा है। सब नहीं होता है लेकिन ज्यादातर होता है। यदि सो नहीं रहता तो सरकारी स्कूल के टीचर प्राइवेट में अपने बच्चा को नहीं पढ़ाते, बोलना।
आप ईमानदारी से पढ़ाइए ना, वो ईमानदारी से चलाता ही नहीं आदमी, तो कोनो बात पे किसका विरोध कर देगा? सरकार का। क्या रे कभी आ जा। तो पहला सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा चौथा जर्मनी, पांचवा पे तो जान ले, पांचवा पे तो लिख लो, तो कोना में कहीं पर बउआ, पांचवा पर भारत, आ पांचवा पर भारत, बैठ बैठ कहीं जा जगह है, कैमरा चालू है, इसको बैठने दो, पांच को बैठा ना, गर्मी लग रहा है। हो गया जी, लिख लिया सब जी, चलो याद हो गया जी। चलो जीडीपी के मामला में सबसे बड़ा अमेरिका, नहीं उसके बाद चीन, उसके बाद जापान, उसके बाद जर्मनी, तब भारत, पांच को हो गया। दस को का बात करते हैं तो छठा पर इंग्लैंड, सातवां पे फ्रांस, लिख लो, छठा पर इंग्लैंड, सातवां पर फ्रांस, नहीं लिख लिया, उसके बाद हो गया सब उधर। इनको जो थोड़ा आधा घंटा के लिए उधर भी भेजा करो, वहां पर वो कोचिंग पर, इनको सब आना नहीं है, गायब हो गए वो घर से, ठीक है। आप कल नहीं आए थे, कल बंद था, छोटको सब का बंद, ठीक हो गया, लिख लिया रे, पहला सबसे बड़ा अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान, याद कर लिया, चार पे जर्मनी, पांच पे भारत, छह पे इंग्लैंड, सात पे फ्रांस, और आठ पे कनाडा, आठ पे कनाडा, नौ पर इटली, आगे बढ़े, और दस पे तुम्हारा हो गया ब्राजील, हो गया। अब विश्व के जो है दस सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाला यदि हम देश का बात करते हैं, नहीं कौन में था याद करके रखा है ना रे, तू सब लास्ट वाला जी। ए, कदी हो गया तेरे कालिया, पहला सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका, अमेरिका, दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश चीन, तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश जापान, चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश जर्मनी, नहीं इटली, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है। पांचवा सबसे बड़ा भारत, याद हो गया, छठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश इंग्लैंड, नहीं जी, सातवां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश फ्रांस, नहीं,
और आठवां सबसे बड़ा कनाडा, ठीक है, और नौवां सबसे बड़ा इटली, और दसवां सबसे बड़ा याद हो गया जी। अब मैप से याद रखेंगे, बोलिए पहला सबसे बड़ा अमेरिका, देखो अमेरिका कहाँ, उत्तरी अमेरिका कंटिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में, नहीं बोलो ना, सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला। दूसरा सीधा एशिया, चीन, ठीक है, तीसरा एशिया में जापान है ना, चौथा जर्मनी, चौथा जर्मनी, याद हुआ। देखिए विश्व के 10 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाला देश, ठीक है, आप मैप के अनुसार एकदम ध्यान से देखेंगे समझेंगे, ठीक है। पहला पर हो गया हमारा अमेरिका, दूसरा पर चीन, तीसरा जापान, जापान, चौथा जर्मनी, पांचवा भारत, छठा इंग्लैंड, सातवा फ्रांस, आठवा नौवा इटली, दसवा, ये हो गए वर्तमान समय में विश्व के 10 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले, कौन, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, इटली और ब्राजील, ऐसे रट गए। अब ऐसे इधर एशिया का हम बात कर लेते हैं तो 1, 2, 3 मात्र तीने गो आया, नहीं उसमें एक हमारा चाइनीज आ जाता है, जापान से भारत तो हेल्प ले रहा है, छोटका देश, देखो दो बार एटम बम मार दिया इस जापान पर, अमेरिका वाला हिया से लेके एटम बम हिया मार दिया था, तब पर भारत से आगे, हेलीकॉप्टर जितना स्पीड में चलता है उतना स्पीड में यहाँ ट्रेन चलती, कुछ ही घंटा में देश के इस हिस्सा से उस हिस्सा पर आदमी चल जाता है। यहाँ तो दिल्ली जाने में एकदम खुटुर खुटुर सुबह पहुंचेगा दरभंगा से, 24 घंटा लगाएगा, कितना, तो इसलिए जापान एक विकसित देश हो चुका है और भारत विकासशील देश, अभी विकास कर ही रहा है, नहीं तो याद हो गया। सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला अमेरिका, दूसरा में चीन, तीसरा जापान, तीन को याद हो गया, अमेरिका, चीन, जापान। अब यहाँ पर जो यूरोप में चार गो सटले सटले, एक चौथा हो गया हमारा जर्मनी, जर्मनी के बारे में पढ़ा है, फ्रांस के बारे में भी पढ़ा है, तब पांचवा पे भारत आ जाता है, नहीं और छठा में मिल जाएगा यहाँ से इंग्लैंड, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को अभी हाल ही में भारत पछाड़ करके पांचवा सबसे बड़ा बना है। अब हमें कौन कौन देश को पीछा छोड़ना है, इससे ऊपर कौन है, जर्मनी, इससे ऊपर जापान, जर्मनी और जापान को हम पीछे छोड़ देंगे तब कौन हमसे आगे रहेगा, सिर्फ चीन, लेकिन चाइना का अर्थव्यवस्था बहुत आगे है, नहीं चाइना का अर्थव्यवस्था क्या है, बहुत आगे है, इसीलिए हमें चाइना को पीछा करने के लिए अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, समझ गया कि नहीं, तो सबको याद हो गया। विश्व के 10 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाला देश कौन कौन, आराम से चलो, पहले हम बोल देते हैं, पहले हम बोल देते हैं, उल्लू कहेंगे हर एक बात रिपीट, पहले हम बोल देते हैं तब तुम जो है दिमाग लगा के बोलना, ऐसे तो हल्ला तो सब कर लेते हो, जब एगो को खड़ा करते हैं तो फिर पानी मांगने लगता है कि सर गर्मी बहुत ज्यादा है थोड़ा सा पानी दीजिए, है कि नहीं, तो वो नहीं चलेगा भाई, गरीब से गरीब आदमी याद करो, गरीब समझ गया ना, गरीब किसको कहे, जो पढ़ने लिखे में ढोलक है ना। पहला सबसे अर्थव्यवस्था वाला बात करते हैं हम यदि तो वो है अमेरिका, और दूसरा हम चीन, दो गो तो खटाखट याद हो गया, अमेरिका 4 अक्षर का, चीन
द्वितीय अक्षर का है, वो मैप से याद करेंगे, अमेरिका चीन, अमेरिका चीन। तीसरा नाम तीसरा स्थान पर है भी और तीन अक्षर का है भी, कौन? जापान, जापान है ना। तीसरा, चौथा पे जर्मनी, चौथा पर जर्मनी, और पांचवा पे भारत। पांचवा तो भाई याद है, सब भारत का रहने वाला है इसमें ना, कोई जापान पान का नहीं। ठीक है, पांच गो याद हो गया। अब हमको पांच गो याद करना है तो चार गो एक के जगह मिल जाएगा नहीं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। इटली और जर्मनी में तो राष्ट्रवाद पढ़वे किया है, उसमें फ्रांस और ऑस्ट्रिया का अति था वो भी पढ़ा जी। तो उस समय भी बताते थे यहाँ फ्रांस है जी। बोलो ना, तभी काम आया कि नहीं अर्थव्यवस्था में जी। बोलो ना जी। तो यदि हम छठा का बात करते हैं तो हाल ही में हम बोले थे कि इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके जो है वो भारत छठा पर हो गया इंग्लैंड। सातवा का यदि हम बात करते हैं तो वो हो गया फ्रांस, दोनों पड़ोसी इंग्लैंड और। अब आठवा और नौवा में थोड़ा सा बहुत अंतर, एगो हिया नौवा सीधा यूरोप में और दसवा सीधा, ई कंटिनेंट बड़ा पिछड़ा हुआ है, इसमें ब्राजील जो है वो भारत से भी बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, पांचवें नंबर पे नहीं, ब्राजील। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सातवां नंबर पे है ना, छठा पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवां पे भारत है, नहीं मालूम है? ऊपर से पूरा, पहला पे रूस, दूसरा पे कनाडा, तीसरा पे चीन, चार पे अमेरिका, पांच पे ब्राजील, छह पे ऑस्ट्रेलिया, सात पे भारत। ऑस्ट्रेलिया से मैच होता ना भारत से, समझ गया ना, भारत ओकरा से क्षेत्रफल में छुटके, बुझ गया। तो ये जा, उसके बाद आठवां हो गया हमारा कनाडा, और नौवां हो गया इटली, और दसवां हो गया, एक बार फिर से बोल देते हैं उसके बाद तुम लोग बोल देना, ठीक है। पहला पे हो गया अमेरिका, दूसरा पे चीन, तीसरा पे जापान, चार पे जर्मनी, पांच पे भारत, छठा पे हो गया इंग्लैंड, सातवां पे फ्रांस, आठवां पे कनाडा, नौवां पर इटली, और दसवां में ब्राजील। ये हो गए विश्व के दस सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश, ठीक है। अब आपको मौका दिया जाता है, आप एक बार अपने माइंड में रिवीजन कर ले, फिर हम पूछते हैं। गर्मी ज्यादा लग रहा है। चलो अब कौन सा है फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो बोल सकता है विश्व के दस सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश का नाम? इतने लोग बोल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे जो बांधते हैं उसी से शुरुआत करना चाहेंगे, राखी। थोड़ा सा गलती से क्या कर दिया तुम लोग नेता, थोड़ा गलती से तुम मिस्टेक मार दिया, बैठिया। और कौन हाथ उठाया है? हाथ कम कर लिया। रेहान तारीज, जर्मनी,
इधर का नहीं देखता है, उधर देख के बोल। गलती से मिस्टेक मार देता है। चलो भैया बैठिए बैठिए, समझ में आ गया कि नहीं? तो हाथ तो उठा दी। हाँ तुम हाथ उठाए, सानिया में जा बोलो। चलो बैठो, बहुत अच्छा। चलो तुम बोलो, बैठो ना, अलग से करना पड़ेगा, बैठो। पहला पे अमेरिका, दूसरा पे चीन, तीसरा पे जापान, चौथा पे जर्मनी, पांच भारत, छह पे इंग्लैंड, सात पे कनाडा, नौ पे इटली, दस पे ब्राजील। पहला पे अमेरिका, दूसरा पे चीन, तीसरा पे जापान, चौथा पे जर्मनी, पांचवा पे भारत, छठा पे इंग्लैंड, सातवां पे फ्रांस, आठवां पर कनाडा, नौवां पे इटली और दसवां पे ब्राजील। बैठ से बैठ। याद हुआ? जी। तुम बोलो शिमला में भारती। पापा को समझा दिए कहाँ फार्मूला लिखे हैं? बैठिए। पायल में भाई, फादर के लिए बैठिए, जाएंगे तो कैसा महसूस करेगा? कुर्सी तोड़ देंगे। बैठ जा पब्लिक, बगल में कौन पब्लिक है? अब ऐसा पब्लिक को खड़ा किया जाए, कौन गलती करे? शिवानी भाई, एक कहीं देखियो लेते हैं। हे भगवान। तुमसे जो उम्मीद था उसको पूरा कर दियो। बैठो रागनी में भाई, बैठो 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 ना बकलोल। अरे कौन था इंटरमीडिएट का विद्यार्थी रे, कहाँ आया वो? होगा कथी लिया वो नहीं पता, आर्ट्स लिया है कि साइंस? तो पढ़ेगा कथी? तो कहो आने के लिए, इंग्लिश तो सब में पढ़ सकता है, चाहे साइंस से लिया हो या आर्ट्स लिया हो। 9 बजे गाड़ी है, समझ में आ गया? गाड़ी पकड़ा दो बेचारा को, कहला बर्बाद होगा टाइम। हाँ हो गया, पूरा बोलिए दिए। बढ़िया बाबू में अली, सब ऐसा टी शर्ट ले लो, कुरान कर दिया तो यहाँ पर सौरभ खान पहन पहन के बात चट्टा कहीं गड़बड़ा देता। तुम बोलो रे इब्राहिम भाई, चलो विश्व के सबसे 10 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाला देश का हम यदि बात करते हैं तो अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, इटली और ब्राजील। नहीं मैप से याद करिएगा तो और अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, समझ गए? तो इसी को याद करवाने के लिए हमने क्या किया, मैप लाया। कैसे बोलता है रे? मैप लाए कैसे बोलता है रे? खाली मैच खेलता है। तो यही अर्थव्यवस्था, यही अर्थव्यवस्था के बारे में हम बताए कि ये हो गए विश्व के 10 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाला देश। तो सवाल उठता है कि अर्थव्यवस्था आखिर कहते किसे? नहीं
तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। नहीं, सरकार रोड बनाती है, रोड से टैक्स वसूलती है, विदेशी आदमी घूमने के लिए यहाँ आते हैं, कमाते हैं तो वो लोग भेजते हैं, बोलो। कोई कंपनी यहाँ आती है तो उसे टैक्स लिया जाता है, सरकार यहाँ भारत के लोग सब टैक्स देता है, बिजली है, रेलवे है, बोलना रे, डाक है, जितना भी डिपार्टमेंट है उस सभी से जो देश है ना को आमदनी होता है वो सभी क्या होता है फिर सब मिलकर के क्या बनता है, अर्थ। समझ में आ गया क्या, वही सब क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था। जिसके जब यहाँ ज्यादा होता है तो उसका अर्थव्यवस्था उतना मजबूत है, तो बोलो ना। और जिसके यहाँ नहीं हो पाता है, सरकार के जो भी आदमी ज्यादा कमा के बचा लेता है तो वो अमीर हो जाता है ना, और जो 10 रुपया कमाया ना उसका 10 तारी पी जाता है तो कथी अमीर बनेगा रे भैया, नहीं। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते, परीक्षा में क्या लिखेंगे, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, तंत्र संरचना, बोलो ना, ये पूरा सिस्टम होता है वो सीधा समझो वही तंत्र हुआ, जितना क्रियाएं जो वर्क होता है वो सभी जिसके अंतर्गत है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित, जैसे देखो खेती बाड़ी होता है, उद्योग लगता है ना, इंडस्ट्री, व्यापार होता है, तो इस सब में क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं होता है। जो आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र किसे कहते, नहीं बताए, अर्थशास्त्र बता दिए कि इसमें मानव का विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, गतिविधि नहीं। तो फिर उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था पर बात आ रहा था तो हम लोगों ने क्या किया, अर्थव्यवस्था वाले विश्व के 10 सबसे बड़े देशों का नाम याद कर लिए, बोलो ना, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, इटली और ब्राजील। नहीं, ये विश्व के 10 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो इसी में सवाल उठता है, आखिर अर्थव्यवस्था होता क्या है सर, हम लोग मूर्ख आदमी। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या संरचना है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं, विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे भाई कोई उद्योग लगा रहा है तो रुपये पैसा का ना लेन देन हुआ, जो भी सामान खरीद के लगाएगा मशीन वगैरह, तो आर्थिक क्रिया होगा वहां कि नहीं होगा, चक्कर आ गया। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, बात समझ में आ गया। अब देखो अर्थव्यवस्था में हम यदि देखते हैं तो वो उसको 3 भाग में बांटा गया है, नहीं, कितने भाग में, 3 भाग में। वर्तमान समय में 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, 1 मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो शॉर्टकट लिख रहे हैं, और 1 हो गया हमारा समाज, चीन में, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था हुआ, नहीं। तो लिख लो अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांट, कितने भागों में बांटा गया है, अर्थशास्त्र का कोई बुक नहीं लाया, लेकिन अभी तक निकाला नहीं होगा। कितने भाग में बांट दिया गया अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांट दिया गया, 3 पूंजीवादी। अमेरिका में कैसा अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी। सिंगापुर में कैसा है, पूंजीवादी। जहां जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है वो देश कितना अमीर है देख लो, समझ में आ गया। यहाँ प्राइवेटाइजेशन होगा पूरा विरोध, सरकार ये बेच दिया वो बेच दिया, समझ में आ गया, क्या हो जाएगा पूरा अच्छा से। चलो यहाँ सरकार का सब चीज मिलना चाहिए, अब बैठ के क्या करे चापे, समझ में आ गया, काम करना यहाँ का आदमी नहीं चाहेगा, सिर्फ सरकार का तोड़ेगा। हो गया,
तो अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांट दिया गया? तीन भाग में। नहीं, क्या क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश का नाम सुनेगा? अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, है ना, ये सभी अर्थ, जापान, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब देखो कितना आगे चला गया, यहाँ प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। अमेरिका समझ जाएगा तो सरकारी नौकरी नहीं, एगो जॉब खोजता बड़का कंपनी में, एप्पल कहाँ का कंपनी है? अमेरिका का, है ना। गूगल कितना बड़ा बड़ा कंपनी पूरा दुनिया पे राज करता है, यहाँ क्या चाहिए? सरकारी नौकरी, ठीक है, आराम से पैसा मिले, काम पर जाए तो बोला, नहीं जाए तो बोला, काम आदमी खिड़की पर हल्ला करता रहेगा, है ना। ब्लॉक सब में जाइएगा ना तो खड़ा रहिए, अखौनी लगाएगा बैठ के अंदर, ठीक है, चाय पिएगा, और लंच होने से पहले लंच कर लेगा, उसके बाद वो बीच में कितना भी जरूरी है, पांच मिनट का काम है आपका, नहीं करेगा वो, क्या है, सरकारी जॉब है ना, पूरा एकदम टाइम हो जाएगा बंद, अब कल होगा, इसीलिए तो देश चौपट हो रहा है ना। जिस दिन जनता जागरूक हो गया ना कि देश के और हमारा प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ सकता है, उस दिन चीजों का आदमी ज्यादा विरोध नहीं करेगा, समझ रहा है ना। यहाँ आदमी को कहते जाइए सरकारी कहे चौपट करने के लिए। बिजली का हालत कैसा था पहले? रेलवे प्लेटफॉर्म पर आदमी जाता था ना तो नाक नहीं दिया जाता था। आदमी को व्यवस्था क्या चाहिए? साफ सुथरा पूरा एकदम, और वह आदमी को सरकारी जॉब रहेगा तो काम नहीं करेगा अच्छा से। लेकिन रेलवे में जैसे बैठेगा, मान लो रेलवे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें यात्रा करेगा तो उसको क्या चाहिए? सभी चीज सफाई सुथरा, सोने वाला तकिया साफ सुथरा चाहिए। रे भैया तो सरकारी नौकरी वाला उसमें है तो उतना मेहनत से काम करेगा तब ना, सरकारी काम का आदमी नहीं देता, मठेर मठेर अपना काम की तरह करता है, मठेर मठेर के करेगा यहाँ पर, वो तो मजबूरी में कर रहा होता है। तो इसीलिए देश पीछा चल जाता है, इसीलिए सबका कमान किसके हाथ में दे दिया गया? प्राइवेट सेक्टर, भाई तुम संभालो, देखो, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ? अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान, कनाडा, इन सभी देशों में क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो ये देश सब कहाँ है? जापान, जिस पे दो दो एटम बम गिरा दिया, ओकरा से भारत बुलेट ट्रेन ले रहा है, इतना छुटका भी मैं आपने दिखाया ना, तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, और वहां से भारत बुलेट ट्रेन का टेक्नोलॉजी ले रहा है जापान से। रे भैया दो ना तो दे रहा है, बहुत मेहनती आदमी होता है जापान का, नाव पर खेती कर देगा, बड़का बड़का बिल्डिंग को गुजारना है तो घर नहीं तोड़ता है, यहाँ तो घोड़े सब गुजार देता है, बिल्डिंग के अंदर से इन्हें सब गुजार देता है, बहुत मेहनत करता है वहां का। दुनिया का सबसे ज्यादा मेहनती आदमी कहाँ? जापान में। तो देश आदमी से महान बनता है, कोनो नेता है को घुस के नहीं कुछ कर देगा, समझ रहा है ना, इस बात को समझा करो, जनता ये नहीं बुझता, खाली कहेगा कि देखो अमेरिका कितना आगे है, जापान कितना आगे है, कैला आगे है, से तो बोलबे नहीं किया। उस सब कथी को अपना है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज में ज्यादातर लोगों को ये सोच भरा जाता है कि बउआ सरकारी नौकरी ले लो तो 50-60 हजार का महीना मिलेगा, कहीं परिवार उरिवार चलाया अच्छा से, अब बाल बच्चा को पढ़ाएगा बस हो गया, अगर नौकरी जॉब होकर खत्म हो जाएगा तो अगर बाल बच्चा कथी करेगा, फिर ओकरा वो मिलेगा तो हो गया ठीक है, और नहीं मिला तो बेचारा का कोई काम ही नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया जिसके पीछे भाग रहे उसके पीछे तू भागो, न तो कोई है ना, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी,
बोलो ना रे, आ एलन मस्क नहीं बनता यदि वो भी सरकारी नौकरी कर रहा होता तो। एलन मस्क जो अब सैटेलाइट भेज रहा है ऊपर 5G एकदम दरादर नेट चलेगा है ना। महिंद्रा, महिंद्रा कंपनी का नाम सुना है ना, रतन टाटा कितना आदमी को रोजगार दिया। मुकेश अंबानी जियो रिलायंस चला चला के कहाँ तक पहुंच गया, नहीं उस तक नहीं सरकारी नौकरी मिल जाता था ठीक है, तभी कोई का नाम जान रहा होता नहीं, नहीं जान रहा होता। हम ये नहीं कह रहे कि सरकारी नौकरी खराब होता है, हम ये बात नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बच्चा को सिर्फ यही नहीं कहना चाहिए तू सरकारी नौकरी कर लेगा तो तुम्हारा जीवन सफल है अन्यथा तुम्हारा जीवन बेकार है। ये समाज में जब तक रहेगा तो ससुराल उहे बढ़ेगा, गरीबी में रहेगा। कोई 60,000 का महीना कमा है उसको कहो तो लंदन घूम के आओ तो भैया जा, तो चाहे लंदन में 2 फ्लैट ले लेना तो जा, पैसे नहीं बचता है, खर्चे हो जाता है सब, चपट नहीं करते क्या। तो सोचना बड़ा होना चाहिए, सोचने बड़ा सोच रखने से आदमी बड़ा बनता है ना। करने से पहले नहीं बताया था कि आदमी सोचता है, हाँ चोरवा चोरी करने से पहले भी सोचता ही है पहले। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का हो गया आपका, कौन कौन भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी चीज भी रहेगा सरकारी चीज का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है नहीं, यानी कि प्राइवेट और सरकारी दोनों से मिल करके चला रहा है भारत को, तो बोलो ना। तो जब आदमी जानिए रहा है कि देश में प्राइवेट और सरकारी दोनों चीजों को भारत सरकार अपनाया है तो कोनो चीज को प्राइवेट कर ये दिया तो उसमें ओकर विरोध करने का कौन जरूरी है भैया। आदमी नहीं बुझ रहा था तो विरोध कर लो हो गया, आज बुझ रहा है तो कोई साथ नहीं देगा तेरा बुझा आगे बढ़े। अब आता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला जैसे चीन हो गया, रशिया हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश है ये सब। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भाई जनता जागरूक हो जाओ, भारत का अर्थव्यवस्था ही ऐसा है जो हमें मिश्रित है, यानी कि प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्र का यहां पर कॉम्बिनेशन बना के चला जा रहा है, तब तो होगा ही। अमेरिका में पूरा प्राइवेट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अभी भारत जब प्लेन राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का प्लेन बना है तो वो बोइंग कंपनी बना के भेज रही है, प्राइवेट कंपनी अमेरिका का, तो बोलो ना। सरकार उसको अथी करके करती है वो अलग बात है, अमेरिका में तो वही चल ही रहा है, बोलो ना। अब उसका अपना फ्रीडम मिला हुआ है तब ना नया नया चीज करता है कि हमको फायदा मिलेगा। कोई अपना दुकान चलाएगा तब ना उसमें मेहनत से अच्छा सामान लाएगा, कहीं सस्ता पर देगा, अच्छा से बात करेगा सामने वाला आदमी से, काहे तो उसको आगे बढ़ना है तब देश आगे बढ़ता है। आ सरकारी रह जाता तू दिखता ना जाएगा काउंटर पे नाम लिखवाने जाओ, एक पर एक क्लर्क सब होगा इतना ना ऐसा ना भाषा बोलता है, कोनो कोनो तो शिक्षक भी बच्चा को इतना टॉर्चर कर देता है सरकारी स्कूल में, हमको आगे कहता काहे ला, यदि ओकरा पर प्रेशर रहता कि हम अच्छा से नहीं बोलेंगे तो जाके दूसरा मम्मी को कहेगा दूसरा को कहेगा तो नहीं अच्छा से, तब वो अच्छा से व्यवहार करता, मालूम है हमको सरकार के तरफ से तो पैसा आइए जाएगा, ये तो पढ़े या नहीं पढ़े, नहीं समझा बात। हम क्या समझाने, पहला क्लास है, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं समझ रहे हो, कि काहेला देश पीछे चल जाता है ये समझो। खाली सब्जेक्ट पढ़ लेने से, परीक्षा में लिख देने से नहीं होगा, अच्छा नागरिक बनना है, जिम्मेदार, ठीक है। तो इससे देश बवा पीछे चल जाता है, ये नेता सब आए दिन आदमी को मूर्ख बनाने का काम करता है,
करता है कि नहीं करता है? जब पढ़ लेगा लड़का तो समझ जाएगा कि नहीं, बात को याद रखना पड़ेगा, लेकिन लोगों को पढ़ के बिसर गया तो नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? आगे तरह बढ़े। तब मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें उत्पादन के स्वामित्व जो है वो सरकारी और निजी दोनों के हाथों में, स्वामित्व मतलब अधिकार, मालिक, समझ रहे हो कि नहीं? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्राइवेट सेक्टर भी चलता है। आइए तो बड़े आ, तब मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। डायरेक्ट हम पढ़ने आपको समझा दिए अच्छा से कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब, शॉर्टकट में समझिए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब हुआ सरकारी चीज और प्राइवेट भी। नहीं, अभी जो आप स्कूल में पढ़ते सरकारी में पता है 60% पैसा जो है केंद्र सरकार की तरफ से आता है और 40% राज्य सरकार देती है। ठीक है, क्योंकि ये समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा कौन सूची में? समवर्ती में, है ना? समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर के उसको चलेगा, बीच वाला से। कोनो कोनो क्षेत्र जैसे डिफेंस हो गया, पूरा केंद्र सरकार केंद्र सूची में है। पुलिस हो गया तो पूरा पूर्ण रूपेण राज्य का है। पुलिस को भारत सरकार नहीं चला सकती है, बिहार पुलिस को रे ये जा, बंगाल पुलिस को रे ये करो, वहां की बंगाल सरकार उसको कंट्रोल करेगी। नॉलेज मिल रहा है कैसे देश चलता है, नॉलेज लिया करो। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो, ये तो बात समझ गया, अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का स्वामित्व सरकारी तथा निजी व्यक्तियों के पास। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण है। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण कौन ने भैया? मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। और लिखना होगा तो इंडोनेशिया मलेशिया ये सब लिख लेना। ठीक है, तो कितना प्रश्न हो जाएंगे टोटल? 2 नहीं, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 3, पूंजीवादी समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये लिखा दिए हैं, ये दोनों तो अभी नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया? तो 3, प्राथमिक, उसको द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नहीं, जैसे कृषि, पशुपालना, पशु का पालन करना, ये सब कृषि इसी सब से जो है दूसरा सेक्टर उत्पन्न होता है, बोलो ना। तो इसलिए इसको क्या बुलाता है? प्राथमिक क्षेत्र। क्या बुलाता है? प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कोई उद्योग चला रहा है तो वह द्वितीय क्षेत्र में आ गया। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षा किसमें आएगा? सेवा क्षेत्र में। तृतीय सेवा भी होता है ना, हम पढ़ा भी रहे हैं। वो बहुत बड़ा ये टीचिंग ऐसा लाइन है, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ये ऐसा लाइन है। इसमें आप पढ़ाता है तो आदमी तो कुछ पैसा देता है, मतलब जीवन चलाने के लिए सभी को पैसा चाहिए। इसके साथ साथ देखो कितना बड़ा पुण्य का काम हुआ कि किसी व्यक्ति के जीवन में जो चीज नहीं आता है वो चीज हम बता रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, जो नॉलेज नहीं है वो उसके जीवन में शामिल हो जाता है मेरे वजह से, उसके पास हो जाता है, उसको सवाल बनाने आ गया। नहीं, अब वो देश के बारे में समझ जाता है, दुनिया के बारे में। अभी पूरा दुनिया का सैर करा दिए हम, अभी वर्ल्ड मैप ला करके पढ़ा देना। हम जो बता रहे हैं आपको, हम जो पढ़ा रहे हैं जिस तरीका से बता दे रहे हैं, वो आप किसी भी बड़े एग्जाम का तैयारी कीजिएगा आगे आने 10-15 साल में, तो आपको ऐसे ही जोड़ करके मैप वगैरह ला करके बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और उसका लाखों फी दे करके आप बड़े शहर में जाके पढ़ेंगे, है ना। लेकिन जड़ ही हम ऐसा मजबूत कर दे रहे हैं कि लड़का किसी भी एग्जाम का तैयारी करेगा तो उसके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, यस आई कैन डू, कि मैं कर सकता हूं, समझ रहा है। और जो नहीं पढ़ रहा है, आवारा आवारा है, तो उसका तो कोई बात ही नहीं। अरे इसलिए मेहनत से पढ़ो, जड़ मजबूत होना बहुत जरूरी। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। अब जैसे डॉक्टर इलाज कर देता है, किसी को घाव हो गया है, दर्द हो रहा है, तो इंजेक्शन दे देता है, आराम हुआ, कितना उसको कष्ट से वो बचा लेता है आदमी। नहीं, यदि किसी को ऑपरेशन करके पथरी या कुछ भी, तो सेवा भी हुआ ना, दर्द हो रहा है कुछ भी, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर या नर्स सब आकर के सेवा करता करती है या करता है,
थोड़ा, तो एक तरह से सेवा भी हुआ ना, समझ रहा है, सर्व। पैसा उसमें लेता है तो इसलिए तो भाई क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आया, टीचर पढ़ाते हैं तो पैसे लेते हैं, यही तो, इसलिए तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ रहा है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत, सॉरी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ रहा है, इसमें आर्थिक गतिविधि होता है। बात समझ रहे हो ना, हम खुद पढ़ाई को आपको डेली लाइफ से जोड़ दिए, समझ रहा है ना कि नहीं समझ रहा है। तो यदि हम जीवन व्यापन कर रहे वर्तमान समय में, तो सभी जो है अर्थशास्त्र से दूर नहीं रह सकता। अभी यहाँ पढ़ने के लिए आया, किताब खरीदा, कॉपी खरीदा, तो ये ना हुआ आर्थिक गतिविधि। तो जो इतना भी आर्थिक गतिविधि होगा अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। अर्थव्यवस्था क्या है, तो जितना अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या संरचना है जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, तो वही अर्थव्यवस्था हो गया किसी भी देश। समझ में आ गया, तो तीन क्वेश्चन ये हो गया, एक जो हम लिखा दिए, चार हो गया, समझ में आ गया। बोलो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो वही मैं आंसर दे दिए थे, अमेरिका के बारे में बोले थे। तो ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का जो स्वामित्व होगा वो किसके हाथ में होगा, निजी कंपनियों के व्यक्तियों के हाथ में होगा, तो वो क्या कहलाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का हम उदाहरण का बात करेंगे तो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान, नहीं इस सब का नाम से इस सब आदमी बहुत जाता है घूमने, काहे डेवलप है, आएगा घूमने के लिए, आ देखेगा कि यहाँ पर कचरा फैले ले है, इधर गम का हुआ उधर गम का हुआ, तो कौन आएगा घूमने भैया, वो अपना देश जाएगा, वो कह देगा अरे भाई वहां नहीं जाना, एकदम कचरा जगह। बात समझ रहे हो, तो ये याद हो गया, अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका का अर्थव्यवस्था। समझ रहे हो, समझ में आ गया, तो आप लोगों को अब लिखना है ना, समझ में आया अर्थशास्त्र कैसा लगा, चलो छापो।